बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं अपने इस वीडियो में जो आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाह रही हूं, देखिए मैं जहां से भी गुजर रही हूं, जिस भी गली से, जिस मोहल्ले से, जिस बाजार से, इवन देन के कोई टीवी का चैनल भी अगर ऑन कर रही हूं, तो एक ख़ास किस्म का एहतमाम हो रहा है कम अपकमिंग इवेंट पे। यानी एक इवेंट आ रहा है जिसके एहतमाम के लिए जगह जगह सजाए जा रहे हैं, चौक सजाए जा रहे हैं, गलियां, बाजार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसका बाकायदा एहतमाम कर रहा है। अब वो किस इवेंट पे इसका एहतमाम कर रहे हैं और उस इवेंट का क्या नाम है, उसका नाम है वैलेंटाइन डे। हैरत की बात है। अब ये वैलेंटाइन डे की अगर हिस्ट्री हम पढ़ें, अगर इसकी तारीख पढ़ें, तो ये क्या है कि एक गैर मुस्लिम, एक गैर मगरबी बंदा है, उसने शादी से पहले एक गैर औरत, एक गैर मर्द के साथ उसके ताल्लुक को जो है वो जायज करार दिया था। ये वैलेंटाइन डे की छोटे से मुख्तसर लफ्जों में हकीकत है। और वो मगरिब के लोग हैं, वो जिस तरह भी चाहें अपनी नस्लों को जो मर्जी सबक दें, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान, ये मुल्क पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, इसे दीन के नाम पर लिया गया था, और यहाँ पे वैलेंटाइन डे की प्रमोशन की कोई तुक ही नहीं बनती। हम आका अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं। ये वैलेंटाइन डे हमारी कोई, इसकी इस्लामी तारीख नहीं है, दीन में इसका कोई नाम नहीं है, ना ही ये जायज है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बकायदा तौर पे वैलेंटाइन डे की एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। किस तरीके से की जा रही है, वो बकायदा तौर पे अपने मॉर्निंग शोज में अपकमिंग इवेंट पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक रेड, देखिए कलर सुर्ख रंग के कलर पे कोई एतराज नहीं है, सुर्ख रंग का कलर कोई मायने नहीं रखता इस बात में, ये खूबसूरत कलर है। हमारे पाकिस्तान की जो दुल्हन है वो भी सुर्ख कलर पहनती है, लेकिन इस कलर को वैलेंटाइन डे के साथ मिला कर उसको सेलिब्रेट करने पे मुझे इतराज है। हम अपने मुल्क पाकिस्तान की, जो हमारे आने वाला, जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारी नस्लें हैं, उन्हें क्या सबक दे रहे हैं, क्या लेसन दे रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब थोड़ी सी तवज्जो इधर भी फरमा दें, सिर्फ बैरियर हटाने पे तवज्जो ना दे कि फलां जगह से बैरियर हटा दो, तवज्जो ये भी दे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या किरदार है, हमारी नस्लों को किस तरह बर्बाद कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप थोड़ी सी तवज्जो दे, थोड़ा सा इधर भी अपना ध्यान करें। आपने कहा है ना कि एक साल तक आप अपनी फैमिली के लिए नहीं हैं, आप सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए हैं, तो खुदारा ये मुल्क पाकिस्तान में ही वैलेंटाइन डे प्रमोट हो रहा है, इधर भी तवज्जो दे। हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को वैलेंटाइन डे के नाम पर बेहयाई सिखाई जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि रेड रोज खरीदो, रेड अपना कोई भी कलर की कोई भी गिफ्ट लो और जाकर चौक में, किसी पार्क में, किसी चौराहे पे जाकर किसी गैर मर्द से मिलो और मिलकर उसको गिफ्ट जो है वो दे दो। ये प्रमोट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, बाकायदा तौर पे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसका नाम दिखाया जा रहा है कि ये इवेंट आ रहा है वैलेंटाइन डे, आप सेलिब्रेट करें। खुदा रा पैमरा, मेरी आपसे भी गुजारिश है, आप क्यों इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, क्यों इन चीजों पे गौर नहीं कर रहे? हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, दीन के नाम पे ये मुल्क लिया गया था। खुदा रा इस मुल्क पाकिस्तान को इस तरह बेहया ना करें, बेहयाई ना फैलाएं। इसमें तालीमी इदारों में बाकायदा ये दिन सेलिब्रेट हो रहा है, मुख्तलिफ कॉलेजेस में मैंने बोर्ड लगे देखे हैं और पंफलेट बने हुए कि वैलेंटाइन डे सेलिब्रेटिंग फला फला डेट 14 फरवरी को फला कॉलेज में, फला यूनिवर्सिटी में, और उस पे बकायदा मेंशन किया गया कि हर लड़का हर लड़की रेड कलर पहन कर आए क्या, और वहां पे बकायदा डांसेस का एहतमाम हो रहा है, बकायदा वहां पे डांस का बंदोबस्त किया गया है, म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहे हैं। खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ कर पैमरा, मुल्क पाकिस्तान को इस तरह दुनिया में इस तरह उसका नाम बदनाम ना करें, दीन का नाम इस तरह नाम मत बदनाम करें। अगर आपने कुछ करना ही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, तो आए सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पढ़ाएं, सैयदा आयशा सदीका की सीरत पढ़ाएं, सहाबियात की सीरत पढ़ाएं, बच्चों को सहाबाए किराम की सीरत पढ़ाएं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दुहा के मुखड़े वाले की सीरत पढ़ाएं। ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को? मुल्क पाकिस्तान खुदारा वो कायदे आजम मोहम्मद अली जना की रूह भी तड़पती होगी, जब इन हाल ये हालात देखती होगी तो उनकी रूह तड़पती होगी कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे
मेरे नौजवान, मुल्क के नौजवान जो हमारा मुस्तकबिल है, जिनके कंधों पे इस मुल्क के पाकिस्तान ने परवान चढ़ना है, तरक्की करनी है, वो बेहयाई बेराह रवि का शिकार हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको मुसलसल पैमरा और चीफ जस्टिस साहब आपको मुसलसल गुजारिश कर रही हूँ, यही कह रही हूँ, इनकी तरफ तवज्जो दें। ये बेहयाई के, मैं फिर से कहूंगी, अड्डे हैं, गढ़ हैं। वैलेंटाइन डे पे सख्ती से मुल्के पाकिस्तान पे बैन किया जाए। और आप सब मेरे बहन भाइयों से गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें और चीफ जस्टिस साहब तक पहुंचाएं, ताकि हमारा ये मैसेज उन तक पहुंचे। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे 14 फरवरी को बजाय इसके कि वैलेंटाइन डे की सेलिब्रेशन के ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल नात सजाई जाए, सीरत सैयदा फातिमा तुज़हरा की सीरत जो है वो सजाई जाए। खुदारा मेरे साथ चले, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शेयर करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। फिर मैं एक नुक्ता और आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले ही कसूर की ज़ैनब, यही बेहयाई फिर जब हमारे घरों में आती है तो फिर इमरान जैसे गंदे लोग, उनके ख्यालात गंदे हो जाते हैं, उनकी सोचें गंदी हो जाती हैं। फिर हर घर में ज़ैनब मौजूद है और फिर हर घर में इमरान भी मौजूद है, फिर उनकी सोचों में गंदी बातें आती हैं, उनके ख्यालात गंदे होते हैं और फिर वो ज़ैनब जैसे मामलात उठते हैं। खुदारा हर कोई उठे अपनी अपनी ज़ैनब के लिए। हमें अपनी बच्चियों को महफूज रखना है, उनकी इज्जतों को महफूज रखना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस एहतजाज का हिस्सा बन के मुल्क पाकिस्तान से इस गंदगी का, इस बेहयाई का खात्मा करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी और नासिर हो। वसल्लल्लाहु तआला अला नूरी खल्की मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम।